श्रद्धा, भक्ति, सेवा, समर्पण, कला, संस्कृति, धर्म के अनुपम संगम के साथ आज गन्नौर शमाल का हल्दाना बॉर्डर पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक आनंद के दिव्य स्वरूप के साथ 18 नवंबर तक चलने वाला संत निरंकारी समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर शुरू हुआ। इस दौरान देश भर से आए कलाकारों ने भारतीय संस्कृति की छटा बिखेर कर सबको अभिभूत कर दिया। समागम में परम श्रद्धेय सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं परम आदरणीय राजपिता रमित का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने हजारों श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि हमें असीम का विस्तार करते हुए संसार के काम आना है, पॉल्यूशन और प्रकृति के लिए काम करना है, अपने अंदर नम्रता, समदृष्टि, विशालता, करुणा, उदारता लेकर मानवीयता का जीता जागता प्रमाण देना है। उन्होंने कहा कि एक शरीर ही मनुष्य होने का प्रदर्शन नहीं कहलाता, बल्कि अगर ये मानवीय गुणों से भरपूर हो तो ही सफल जीवन कहलाता है। जगत महान न्यूज के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। जहाँ ये थीम विस्तार असीम की ओर और ये भाव विस्तार का ये युगों युगों से रहा है कि ये परमात्मा असीम है और ये एक जानने योग्य और जिन जिन ने भी अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल किया वो भक्त श्रेणी में और ये उनके अंदर से भी ये अंदर से बाहर इंटरनल टू एक्सटर्नल जर्नी ये असीम की ओर ही और इसी में फिर सारे मानवीय गुणों का भी विस्तार होता चला जाता है। एक बार इस प्रभु से जब प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है तो फिर वो चाहे एक प्यार का ही गुण अपना ले, प्रेम का, तो ये जो युगों युगों से संदेश रहा है लव दाई नेबर का और कैसे फिर ये अगर गहराई में सोचा जाए कि सिर्फ नेबर तो वो नहीं जो हमारे बिल्कुल साथ रहते हैं, ये अगर अपने हम शरीर की ओर भी गौर करें तो ये दिल और दिमाग भी ये पड़ोसी ही तो है। अक्सर ये तालमेल दिल और दिमाग की ही नहीं रहती, ये मन तो चंचल कुछ भी सोचता है, अक्सर एक रूप ये कुछ मन कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और सोच लेता है। कैसे फिर ये अक्सर आजकल मन में तनाव की भी बात आती है तो ये बैलेंस की बात जहाँ, तो जब ये बैलेंस मेंटेन होगा और वो सिर्फ परमात्मा को शामिल करके ही हमेशा का आनंद मिल सकता है, ये स्थिरता आ सकती है, ये मन में फिर विस्तार आ सकता है, अपनत्व आ सकता है, ये फिर ब्रॉड माइंडेडनेस आ सकती है, दिल इतना विशाल कि हर एक को एक्सेप्ट कर सकता है, ये फिर भाव हमेशा कि युगों युगों से जैसे संदेश हर पीर पैगंबर ने दिए कि जीते जी एक वाक्य ही पूरी मानवता के काम आना है, अपना ही ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करनी है साथ ही इस संसार के लिए वरदान बनना है। ये जीवन ये संसार जैसे जब हमने जन्म लिया तो धरती जितनी सुंदर थी अपने जीवन काल में इस धरती को और सुंदर बनाना है, चाहे वो वृक्षारोपण करके एक पोल्यूशन कंट्रोल की बात आती है, एक कचरे का सदुपयोग करते हुए एक उसको कोई भी चीज़ का ऐसा अंधाधुंध कचरे को जैसे नहीं फैलाने की बात या रिसाइकल की आजकल बात आती है, रीयूज की आती है, तो कैसे ये संसार में इस परमात्मा ने हर कोई चीज़ जो दी है और चाहे वो इंसानों ने भी कुछ आविष्कार किए हैं तो ये चीज़ों का सिर्फ सदुपयोग ही हो और कैसे कोई भी चीज़ हमारे द्वारा इतने
केयरलेस होके कि ये धरती का रूप बिगाड़ दे। ऐसा जीवन जीने के लिए तो ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन जहाँ एक स्पिरिचुअली भी और सोशली भी इस मानवता के काम आने के लिए है, एक अपने सुधार से शुरू होकर ये फिर कोई भी अगर मानवीय गुण पकड़े, एक मानवीय गुण जीवन में आ गया तो और विस्तार करे, दूसरे मानवीय गुण को अपनाए। और इसका मतलब ये नहीं कि एक गुण जीवन में आ गया तो पहला जो आया है उसको छोड़ दिया जाए। तभी ये जर्नी ये असीम की ओर की बात है कि ये मानवीय गुणों की भी बढ़ोतरी एक होती रहे, एक हम बढ़ते चले जाएं, एक एक गुण और जीवन में हासिल होता जाए। कैसे फिर संसार में प्रीत नम्रता समदृष्टि विशालता करुणा दया इत्यादि कोई भी गुण अगर सोच ले, वो एक हम जीता जागता एक फिर वो प्रमाण हो कि एक सिर्फ शरीर ही मनुष्य का मनुष्य नहीं कहलाता, बाकी ही ये मानवीय गुण अगर है तो ही ये सफल जीवन है। और इसी तरह फिर इस परमात्मा इस रूहान इस की तरफ ही ये विस्तार होता रहे। और ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि फिर कोई सीमा नहीं रहती, जब ये परमात्मा ही असीम है तो फिर ये प्यार का भाव भी ये असीम हो सकता है। एक जीवन में अपने पोटेंशियल की जो बात आती है कि इस परमात्मा की ही अंशात्मा जब सभी में है तो दैवीय होना संभव है, और वो दैवीय होने तक की ही यात्रा ये विस्तार की बात है। एक अपनी सोच को दिल को भी छोटे नहीं करने, हर एक से प्यार करना है। ये भेदभाव अक्सर जो आ जाते हैं एक कि कोई कहाँ जन्मा है, कैसे खाते पीते हैं, किस कल्चर के हैं, उससे एक नफरत की भावनाएं जन्म ले लेती हैं कि ये इंसान मेरे जैसा खाता पीता नहीं है तो श्रेष्ठ नहीं है। पर हर कोई इस परमात्मा की ही बनाई रचना है तो हर एक के प्रति श्रद्धा बिल्कुल उसी तरह रहे जैसे जब हम कोई भी पूजनीय स्थल पे जाते हैं तो परमात्मा के एहसास से, या घर बैठे भी परमात्मा के एहसास से जैसे ये एक मन पावन हो जाता है, वैसा ही हर एक को देख के नफरत का भाव मन में ना लाते हुए सिर्फ आदर सत्कार श्रद्धा और समर्पण ही आए। हर कोई श्रेष्ठ है, सभी परमात्मा की एक क्रिएशन, और हर एक से शिक्षाएं लेते हुए अपने जीवन को भक्तिमय करके ये रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, एक विस्तार हर पल का होता चला जाए। सत्संग जी धन्य गाय जी।